हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईएसपी के बारे में। तो आईएसपी है क्या? आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या? जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम हमारे मोबाइल में जो हम इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, वो तो हमें कौन प्रोवाइड करता है? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ऐसी कंपनीज। तो इन सब कंपनीज को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या है आईएसपी। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मतलब जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और टेलीफोन कंपनी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक टेलीफोन कंपनी होता है that provides network service to the users, जो कि हमें network service या फिर internet service provide करता है users को by taking some fee from the users, users से कुछ fee या फिर कुछ पैसा लेके। जैसे कि हम network डालते हैं हमारे mobile में, network डालते हैं मतलब क्या, हम कुछ fee देते हैं किसको? internet service providers को, उस telephone company को। उसके बाद जाके वो हमें internet service या फिर network service provide करता है। okay? The world was the first commercial ISP in 1989. The world जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसको सबसे पहला कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से मानते हैं। पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो 1974 में टेलनेट जो कि पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, जो कि 1974 में निकला था, पर हम पहला कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से द वर्ल्ड को मानते हैं, जो कि 1989 में निकला था। और टेलीरामा को हम वर्ल्ड का तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से मानते हैं, जो कि 1991 में निकला था। ओके? तो ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? इंटरनेट के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? इंटरनेट कनेक्शन ला रहा है खुद। मतलब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कहाँ से ला रहा होगा? कहीं से ला रहा होगा, फिर जाके हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब तक हमने इतना पढ़ा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या करता है, हमसे कुछ पैसा लेता है, कुछ पैसे लेने के बाद हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके? तो आप देखेंगे कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद कहां से लाता है इंटरनेट कनेक्शन। एन आईएसपी बाइज अपस्ट्रीम डाटा फ्रॉम सम अदर अपस्ट्रीम आईएसपी। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो तीन अलग अलग टायर या फिर तीन अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। एक है टायर वन आईएसपी, और एक है टायर टू आईएसपी, और एक है टायर थ्री आईएसपी। तीन अलग अलग लेवल्स के आईएसपी होते हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करने में काम करते हैं। ओके? तो ये जो आईएसपी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है? वो कोई उससे ऊपर वाला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उससे वो इंटरनेट सर्विस को खरीदता है, उसके बाद जाके वो हमें इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है। ओके? तो देखते हैं। तो ये है टायर वन, टायर टू, टायर थ्री। तीन अलग अलग टायर्स में डिवाइडेड है जितने भी आईएसपी हैं। तो ये टायर वन जो आईएसपी हैं, उनका काम क्या है कि अलग अलग कंटिनेंट या फिर अलग अलग कंट्रीज के बीच जो नेटवर्क्स हैं, केबल के माध्यम से समुद्र के अंदर से केबल डाल के क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये है टायर वन। क्योंकि इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। जितने भी नेटवर्क्स हैं, सबका ग्लोबल कलेक्शन, सबका कलेक्शन होकर एक लार्ज नेटवर्क है। तो पहले अदर कंट्रीज के नेटवर्क के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अदर कंट्रीज के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए जो आईएसपी काम करते हैं, उन सारे आईएसपी को हम टायर वन आईएसपी बोल के बोलते हैं। ओके? फिर टायर टू आईएसपी का काम क्या है कि टायर टू आईएसपी क्या करेगा कि टायर वन आईएसपी जो केबल डाल के बाकी कंट्रीज के साथ नेटवर्क को कनेक्ट किया है, उसके केबल से कनेक्शन लाएगा, और टायर थ्री मतलब जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, उनके पास केबल के माध्यम से वो इंटरनेट सर्विस को पहुंचाएगा। टायर टू आईएसपी का काम ये है। और टायर थ्री आईएसपी का काम ये है कि वो लोकल एरिया में मतलब गवर्नमेंट को, नॉर्मल यूजर्स को, कोई कंपनीज को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये तीन टायर का काम। और कभी कभी टायर टू डायरेक्टली भी टायर वन से इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट सर्विस ला के मतलब नॉर्मल यूजर्स को भी प्रोवाइड करता है। ओके? तो ये तीन टायर है। तो उसको थोड़ा सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। ये काम टायर थ्री का होता है नॉर्मली, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टायर थ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है,
उससे ऊपर वाला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे खरीद के इंटरनेट सर्विस हमें नॉर्मल यूजर्स को प्रोवाइड करता है कुछ फीस लेके। तो ये एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये है इंटरनेट, मतलब जो सारे इंटरनेट मतलब क्या, सॉरी, इंटरनेट मतलब क्या, इंटरनेट मतलब कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। तो सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए काम कौन करता है, टायर वन ISP के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन कंपनी, जिसको कि हम पहले ही जानते थे किस नाम से, जिसको पहले हम जानते थे VSNL के नाम से। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन कंपनी एक मतलब ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि टायर वन ISP के हिसाब से काम करता है, मतलब सारे कंट्रीज के नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए केबल डाला हुआ है समुंदर के अंदर से। ओके, और फिर ये टाटा कम्युनिकेशन कंपनी क्या करता है, टायर टू कंपनी के माध्यम से टायर थ्री कंपनी को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टायर टू कंपनी कौन है, जैसे कि वोडाफोन, सबसे मतलब जानने वाला, हर कोई जानते होंगे वोडाफोन के बारे में, इसलिए वोडाफोन का एग्जांपल लिया है मैंने। ऐसे और भी बहुत सारे हैं टायर टू कंपनी। तो इंडिया का बस एक ही मतलब जो टायर वन कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन। वोडाफोन जो है टायर टू कंपनी, वो क्या करता है, टाटा कम्युनिकेशन का जो मतलब वो केबल डाल के जो सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट किया है उसके केबल के साथ कनेक्शन, उसके केबल से कनेक्शन लाके टायर थ्री कंपनीज के पास क्या क्या करता है, वो नेटवर्क सर्विस को या फिर इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एयरटेल के पास पहुंचाता है। फिर एयरटेल क्या करता है, हम जैसे नॉर्मल यूजर्स को या फिर उसके लोकल एरिया में जो भी हैं यूजर्स उनके पास इंटरनेट सर्विस पहुंचाता है। तो ऐसे इंटरनेट सर्विस हमारे पास आके पहुंच पाता है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से। तो तीन अलग अलग तरह के, तीन अलग अलग लेवल्स के, तीन अलग अलग टायर्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है, और तीनों के वजह से ही हम इंटरनेट सर्विस पा पाते हैं। अगर इनमें से कोई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर काम नहीं करता प्रॉपरली तो हमारे पास इंटरनेट सर्विस नहीं पहुंच पाता। ओके, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस मतलब क्या, हमने पढ़ा था इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर भी हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। इसलिए कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम देखते हैं, BSNL, VSNL, MTNL, Jio, एयरटेल, ये सब एक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई टायर वन लेवल में काम करता है, तो कोई टायर टू लेवल में काम करता है, तो कोई टायर थ्री लेवल में काम करता है। ओके, ISP वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसका काम क्या है, इंटरनेट को यूजर के पास पहुंचाना। तो इंटरनेट को यूजर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक माध्यम के हिसाब से काम आता है, मतलब इंटरफेस के हिसाब से काम आ रहा है। ओके, तो ISP वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, ये एक इंटरफेस के हिसाब से काम आता है। जैसे कि देखो ये मेरा PC है और ये इंटरनेट है, मैं अपने PC को अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो किसके माध्यम से कर सकता हूँ, ISP के माध्यम से। तो यहाँ पे ISP एक इंटरफेस के हिसाब से काम किया जो कि मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में मदद किया। ओके, ISP यूजेस ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू एनेबल और अलाउ कंज्यूमर्स टू कनेक्ट टू देयर नेटवर्क। ISP कुछ टेक्नोलॉजी यूज करता है कस्टमर्स को या फिर यूजर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस में डिफरेंट टाइप ऑफ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने वाला मेथड्स या फिर टेक्नोलॉजी पढ़े थे, जैसे कि केबल मॉडेम कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, DSL कनेक्शन, ISDN कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जिसको यूज करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि लिखा है फॉर होम यूजर्स, मतलब घर पे जो इंटरनेट सर्विस यूज करना चाहते हैं उसके लिए कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे कि डायल अप कनेक्शन, DSL कनेक्शन। DSL कनेक्शन का सबसे सस्ता वाला कनेक्शन मैंने बोला था कौन सा है, ADSL कनेक्शन, ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन, केबल मॉडेम कनेक्शन, ISDN कनेक्शन। ये होम यूजर्स के लिए, मतलब घर पे जो इंटरनेट सर्विस यूज करना चाहते हैं, और कंपनीज के लिए जैसे कि डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन या फिर डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, जो कि डायरेक्टली लेज लाइन यूज करके इंटरनेट कनेक्शन को डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करके हमें क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज कर पाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है, वो
उससे ऊपर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे इंटरनेट सर्विस लाता है और हमें प्रोवाइड करता है। ओके और समझ आ गया, तीन ठो अलग अलग लेवल्स के, तीन ठो अलग अलग टायर्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कंट्रीज या फिर कंटिनेंट के बीच केबल्स डाल के सारे कंट्रीज के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मतलब जो सारे केबल्स डाल के सारे कंट्रीज के नेटवर्क को कनेक्ट किया है उससे कनेक्शन ला के हमारे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास उस नेटवर्क कनेक्शन को पहुंचाता है। और तीसरा जो टायर वन टायर थ्री का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका काम है कि उसके लोकल एरिया में जो भी इंटरनेट यूजर्स हैं उनके पास इंटरनेट सर्विस पहुंचाता है। ओके तो ये सब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट कंपनीज ही होते हैं जो ये काम करते हैं। ओके तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करने वाला जो एक गवर्नमेंट का कंपनी है वो है BSNL। ओके आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्यों यूज होता है। ओके आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।